सभी को नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, किन बुनियादी बातों का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं 5 पॉइंट की स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ, तो निश्चित रूप से आपको वैकल्पिक विषय के चुनाव करने में इनसे हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जानते भी हैं कि मैं धर्मेंद्र जाखड़ और 3 बार इंटरव्यू देने का मुझे अनुभव है, तो अपने अनुभव के आधार पर मैं बताऊँगा कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। और यहाँ पे हम मीडियम की बात करेंगे, किस मीडियम में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है, उसके बारे में भी कुछ अच्छी बातें। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे आपको ये 5 बातें ध्यान में रखनी है कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनाव करते समय। और ये पूरा का पूरा वीडियो मेरी ओपिनियन बेस्ड है, मेरे अनुभव के ऊपर आधारित है, इसलिए सबकी अपनी अपनी ओपिनियन इसमें हो सकती है। पहला पॉइंट इसमें है मार्किंग पैटर्न। जब भी आप किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर इस बात को रखना है कि इसका मार्किंग पैटर्न कैसा है। कई बार गलती से हमारे से ऐसा सब्जेक्ट काम चुनाव कर लेते हैं जिनका निश्चित रूप से मार्किंग पैटर्न लो रहता है। ये बात सही है, मतलब जो लगातार यूपीएससी मेंस देते हैं और अपना अनुभव एक प्राप्त करते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके आधार पर कहीं ना कहीं एक तुलना होती है। और आप ये भी देखते हो कि किस टॉपर ने कौन सा सब्जेक्ट चुना, उसके आधार पर भी हम एनालिसिस करते हैं। तो आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करो तो आप ये रिसर्च करो पिछले 5 साल में यूपीएससी के किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा स्कोर रहा है। हर बार एक यूपीएससी खुद की एक रिपोर्ट आती है, उसमें एक रेशियो होता है या प्रतिशत दिया होता है कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने सिलेक्शन हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन कितना हुआ है, उसका भी फर्क पड़ता है। आजकल एक चीज़ आपने देखी होगी, विशेषकर इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो अपना एक अच्छा खासा रिसर्च करके आते हैं, IIT IIM से जो पढ़ के आते हैं अपना एक रिसर्च करके आते हैं। और जैसे एंथ्रोपोलॉजी आजकल लोग ज़्यादा ले रहे हैं, क्यों ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का मार्किंग पैटर्न बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा मार्किंग पैटर्न एंथ्रोपोलॉजी का ही वर्तमान में देखा जा रहा है। फिर कोई मैथ बैकग्राउंड से तो मैथ लेता है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यदि हिंदी मीडियम का यहाँ पे मैं मार्किंग पैटर्न की बात करूँ तो लिटरेचर के सब्जेक्ट अन्य सब्जेक्ट से मार्किंग पैटर्न में आगे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी कुछ ऐसे सब्जेक्ट से बचें जिनकी तुलना कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से होती है। जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो गया तो हिंदी माध्यम में थोड़ा सा ज्योग्राफी लो रहता है। जैसे मेरा अनुभव है, 4 बार मैंने मेहनत की तो मेरा 260 तक स्कोर आया, जो कि एक एवरेज स्कोर कहा जाएगा। जबकि इसकी तुलना में हिंदी लिटरेचर से करूं या संस्कृत से करूं तो हिंदी लिटरेचर में 344 तक बहुत ज़्यादा स्कोर आया है, संस्कृत में भी 330 तक आया है। हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी थोड़ा सा इसके मुकाबले, मैं केवल बात कर रहा हूं, मैं केवल अपनी ओपिनियन बता रहा हूं। ठीक है, आप अपना रिसर्च जरूर रखना, लेकिन सब्जेक्ट चुनते समय ये मार्किंग पैटर्न जरूर रखना, मैंने कई एग्जाम्पल देके आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों का ये कुछ रहता है कि सर हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो दोस्तों इसमें मैं आपको केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका सब्जेक्ट आपको चुनाव करना है तो आपका रिसर्च सॉलिड होना चाहिए। आप किसी के कहने से सब्जेक्ट लेते हो या मतलब छोड़ते हो तो वो आपकी समस्या हो सकती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। लेकिन कुछ सब्जेक्ट है, जैसे मैं अपने अनुभव से हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि इन सब्जेक्ट से थोड़ा सा बच सकते हैं, है ना। बाकी यदि आपकी मर्जी है लेने का तो आपका फिर अनुभव है, आपका वर्क है, उसमें नंबर तो आ सकते हैं। दूसरी बात, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि यार उसका सिलेबस थोड़ा छोटा हो, अन्य सब्जेक्ट की तुलना में थोड़ा सिलेबस छोटा हो, कम समय में उसको कवर किया जा सकता है, ज़्यादा बोर नहीं हो पढ़ने में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसके रिसोर्सेज आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो कि नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे अभी मेरा 4 महीने मैंने ज्योग्राफी से दिया था, आपको पहले पता है, कई वीडियो मैंने इस बारे में बताया। तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट इतना लेंथी है कि मुझे जब मेंस की मैं एग्ज़ाम देता था तो उन 3 महीनों में मेरे से ज्योग्राफी ही कवर होती थी, मैं अपना टाइम GS एस राइटिंग को बहुत कम दे पाता था। मुझे हमेशा इसमें परेशानी होती थी, रिसोर्सेज के पीछे भागता रहता था कि यार कहीं मुझे इंग्लिश मीडियम का अच्छा रिसोर्सेज मिल जाए और मैं वहाँ से अपना कंटेंट तैयार करूँ, तो इसकी समस्या मैंने फेस की है। और इसकी तुलना में हिंदी लिटरेचर से करूँ तो इसका सब्जेक्ट बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है। ठीक है, छोटा सिलेबस है, 2 महीने में कवर हो जाता है, हालांकि कई लोग ये मानते हैं कि 2 महीने में नहीं होता है, लेकिन मेरा तो अनुभव कहता है कि ज्योग्राफी की तुलना में बहुत शानदार है। ज्योग्राफी में 5-6 महीने लगते हैं तो हिंदी साहित्य में 2-3 महीने में एक बार हम इसको कवर कर सकते हैं, तो इससे फ़ायदा होता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि सिलेबस, जैसे एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट सिलेबस जो है थोड़ा सा अन्य सब्जेक्ट से छोटा है तो उसका फ़ायदा मिलता है। और रिसोर्सेज आसानी से उपलब्ध होना, ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कोई सब्जेक्ट चुनते हैं तो उनको इंग्लिश मीडियम के रिसोर्सेज के पीछे भी भागना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में अच्छा कंटेंट नहीं होता है, अच्छी किताबें नहीं होती है, तो इंग्लिश का कंटेंट हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके चक्कर में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो इसके बजाय क्यों नहीं हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ऐसा सब्जेक्ट चुने कि हमें कम से कम 2 मीडियम में तो नहीं पढ़ना पड़े। तो जैसे हिंदी साहित्य, संस्कृत लिटरेचर हो गया, ऐसे सब्जेक्ट थोड़े से हेल्पफुल होते हैं कि आपको हेल्प करते हैं
अपनी जो तैयारी है उसमें और आपकी फाइनल रैंक डिसाइड करने में। तो ये जितना भी मैं बात कर रहा हूँ, देखो इसमें बहुत सारी दुविधाएं हो सकती है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ हो सकता है वो आपकी ओपिनियन से मैच ना करे, तो मैं केवल अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, आप सुनो, आपको अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं वही फॉलो करो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मेरा काम है जो फैक्ट है उन पर बात करने का, ठीक है। आगे बात है इंटरेस्ट एरिया, ये भी अच्छी बात है कि कभी कभी काम करता है, लेकिन मैंने इसको प्राथमिकता में तीसरे नंबर पर रखा है, सबसे ऊपर रखा है, देखो सबसे ऊपर रखा है मार्किंग पैटर्न को, और दूसरा रखा है मैंने रिसोर्सेज की उपलब्धता कितनी है आपके पास उस चीज़ को देखा है, और उसका सिलेबस कैसा है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, काफ़ी टाइम लगता है या इजीली होता है, उन चीज़ों को रखा है। तीसरा इंटरेस्ट एरिया, तो इंटरेस्ट एरिया भी ये बस सही बात है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से की है उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, इसलिए आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट चुना, और यूपीएससी में भी आप वो सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो कई बार इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन सबसे ऊपर जो दो पहले बातें की उनको ध्यान में रखना है। जैसे मेरा इंटरेस्ट, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में कॉलेज में इंटरेस्ट था, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है, लेकिन वर्तमान में हिंदी साहित्य मैंने लिया है, ठीक है। अलग अलग बदलाव के समय के बाद में अनुभव के आधार पर, मार्किंग पैटर्न के आधार पर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर तीन बार इंटरव्यू फेस करने के बाद में मैंने सब्जेक्ट, अब जाके समझ में आया कि सब्जेक्ट की चुनाव गलत हो गया था, मेरा शुरू में जो गाइडेंस सिस्टम था वो अच्छा नहीं था, या मतलब कह सकते हैं कि सही से चुनाव नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करो, और मैं बार बार ये चेतावनी इस वीडियो में बोलूँगा कि पूरी तरह से 100% मेरे पर भी विश्वास मत करो आप इस बात के लिए कि मैं आपको जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ वही मुझे लेना है, नहीं, अपना चुनना है आपको, अपनी जो फैक्ट है, चीज़ें हैं। जब आप यूपीएससी की तैयारी करने यहाँ पे आते हो तो आपको यदि जल्दी सफलता लेनी है ना, तो जागरूक बन जाओ, चीज़ों को देखो, फैक्ट जो मार्केट में चीज़ें हैं, रिजल्ट जो आ रहा है उस पर ध्यान रखो, मार्किंग पैटर्न पर ध्यान रखो, टॉपर्स की मार्कशीट देखो, वो चीज़ें आपको ज़्यादा पता होनी चाहिए, तो उससे आपका सब्जेक्ट चुनाव करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। आगे फोर्थ बात है मीडियम कंपटीशन, इस बात को विशेषकर मैं बोलूँगा कि जैसे इंग्लिश मीडियम में तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो ठीक है, कोई दिक्कत उतनी है नहीं, जैसे मार्किंग पैटर्न हम देखें तो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है, 300 प्लस कई सब्जेक्ट में जा रहे हैं। हाल ही में एक दो साल में जरूर यूपीएससी ने थोड़ा सा सब्जेक्ट में, ऑप्शन सब्जेक्ट में मार्क्स कटिंग की है, थोड़ा सा ना स्केलिंग की है, तो 300 प्लस बहुत कम सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। जैसे आपने यदि 2020 का रिजल्ट एनालिसिस किया तो उसमें ये देखा गया है कि 300 से प्लस एक दो के मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ये देखना है कि उनको वो सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिसमें उनका इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी से कंपटीशन नहीं हो, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में थोड़ी स्केलिंग होती है। स्केलिंग का मतलब होता है कि जब विद्यार्थियों की तुलना होती है तो तुलना में फिर क्या होता है, मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे मैथ वाले मेंस के एग्जाम बैठते हैं उनका तो स्कोर हो सकता है मैथ में तो ज़्यादा, पूरा मिस पूरा स्कोर कर सकते हैं वो, तो सबका इंटर कॉल उनका थोड़ी ना होगा, तो उसमें एक स्केलिंग सिस्टम होता है। तो हम स्केलिंग सिस्टम पर अभी बात नहीं करेंगे, उसका किसी को ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि क्या फार्मूला यूपीएससी अपनाती है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी साहित्य लेते हैं तो उनका उनका कंपटीशन के साथ में, किसके साथ में, केवल हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ में। जैसे हिंदी साहित्य में विद्यार्थी जो हर साल हम पैटर्न देखें तो 250 से 300 लोग मेंस के एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, तो उनका कंपटीशन इतने लोगों से, जबकि ज्योग्राफी में या पॉलिटिकल साइंस में आप देखना 1500 से 2000 लोग बैठेंगे, तो उनका जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का कंपटीशन किसके साथ में होगा, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के साथ में भी होगा। मेरे साथ जो ज्योग्राफी में कम मार्क्स आने की जो वजह रही है, मेहनत में कोई कमी नहीं थी भाई साहब, दो बार अच्छे स्कोर भी आए। जैसे 2019 में ऑप्शनल सब्जेक्ट का स्कोर कम रहा था लेकिन मेरे 240 आए थे उस साल, और इनमें हिंदी साहित्य इनमें 260 थे, लेकिन मैंने चेंज किया है अभी कि हिंदी साहित्य मुझे जाना है, इसी पे जाना है क्योंकि मुझे ठीक लग रहा है, पढ़ने भी मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने एक चीज़ यहाँ से सीखी है कि यार इसका फ़र्क पड़ता है कि मीडियम कंपटीशन कैसा है, तो ये ध्यान में रखनी है। जैसे एक चीज़ ये भी हो सकता है कि आप रीजनल लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को प्रीफर कर सकते हो, जो आपका स्थानीय लिटरेचर है, जो यूपीएससी की यदि सिलेबस में या यूपीएससी के पैटर्न में इसमें है, यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में शामिल किया गया है, तो आप उनको वरीयता दे सकते हो, उसका फ़ायदा ही मिलता है, नुकसान आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने देखा है, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने जैसे साउथ इंडिया से भी हैं, गुजरात से गुजराती लिटरेचर ले रखी है, पंजाब से पंजाबी लिटरेचर ले रखी है, इसका भी फ़र्क पड़ता है, नो डाउट, ठीक है। संस्कृत भी अच्छा सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम के लिए, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये चीज़ आपने टॉपर से भी सुनी होगी, मैंने कई टॉपर्स की वीडियो देखी, उसमें ये बात उनसे सुनी है कि यार सब्जेक्ट का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। वो अगली जो बात है, लास्ट बात है कि यार ये चार बातें हमने की है, पाँचवीं बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यार आप अपना रिसर्च करो ना। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हो, जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है ना उसको ये पता होता है कि जैसे इस साल 2020 का रिजल्ट आया था तो टॉप 100 का आंकलन करोगे तो किस सब्जेक्ट किसके कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स उसके आए हैं, ओवरऑल कितना मार्क्स आए हैं। यूपीएससी एक रिपोर्ट भी जारी करती है, उसमें दिखाया जाता है कि यार मतलब एक आप यूपीएससी की साइट पर जाके उनके पब्लिकेशन में जाओगे तो वहाँ पर यूपीएससी हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है कि इस साल किस सब्जेक्ट में किनका ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ से भी एक आइडिया लगता है।
बाकी ये होता है कि यार जो जागरूक विद्यार्थी है वो यूट्यूब से या कहीं से भी उनको लगता है टॉपर्स की स्टडीज में देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, उसके हिसाब से वो अपना चुनाव करता है। तो अपना रिसर्च करना, आप मुझे ये मत बोलना कि यार आप बताओ, आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। जैसे मैंने अभी बात की कि यार ज्योग्राफी हिंदी माध्यम में अच्छा नहीं है, तो ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है आपकी ओपिनियन अलग हो, आपका इंटरेस्ट एरिया अलग हो, आपको मज़ा आता हो ज्योग्राफी में, आपको ये भी बिलीव हो कि मैं ला सकता हूँ, तो ये आपकी मर्जी है ना। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके इसमें देखना है, हमें आदर्शवादी नहीं बनना है कि यार मैं तो ला सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ ना, थोड़ा सा आप अपनी उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, नंबर मार्क्स और किसी भी मतलब सब्जेक्ट में आ सकते हैं। मेरे ज्योग्राफी में अच्छे नहीं आए तो मैंने बदलाव किया। लास्ट में यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे फ्री लेसन देख सकते हो, मेरा एस राइटिंग स्कोर 157 है, इसके लिए मैंने 10-12 लेसन तैयार किए हैं, आप इंग्लिश या हिंदी मीडियम दोनों से हो आप इनको बिल्कुल देख सकते हो। काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स इसमें देखने को मिला था, कई मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारा इंग्लिश मीडियम है लेकिन आपकी ऐसी राइटिंग की स्टडीज हमारे बहुत काम आ रही है और इस बार मेंस के एग्जाम में भी बहुत काम आने वाली है। और एथिक्स का मैंने पूरा सिलेबस कवर करवाया है यहाँ पे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे 15 से 20 हज़ार रुपये कोचिंग में देंगे, मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस 31 वीडियो में फ्री में पढ़ाया है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, तो आप इनको देख सकते हो और स्कोर भी अच्छा है, ठीक है, तो इनसे आप लाभ उठाइए। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी मैंने 6 से लेकर 11 तक पूरी करवा दी, 12th के कुछ चैप्टर पढ़ाए थे, बाकी आप पढ़ लेना उसमें, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैं अपने नोट्स शेयर करता हूँ, जैसे मैंने एथिक्स के, एस राइटिंग के और ज्योग्राफी जो भी पढ़ाया, और डेली बेसिस पर और कुछ भी कहीं से भी मुझे अच्छा कंटेंट मिलता है मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि यार पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि आपको कोई समस्या हो, तो बाकी वीडियो से जुड़ी हुई जो समस्या है वो तो वीडियो में सॉल्व हो जाती है, तो उनके मैसेज आप मत करना कि सर मैं ये क्या पढ़ूँ, कौन सी किताब पढ़ूँ, वो तो हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं, आपकी कोई पर्सनल क्यूरीज हो वहीं, जैसे कई बार समस्या आ जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मैसेज करना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जिम्मेदारी भी है लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।